हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच कोरोना काल में जबकि पूरी दुनिया सहमी हुई है, पाकिस्तान अपने ही एजेंडे में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद हुई है जो कि सरहद पार से आई थी। इसकी बरामदगी से बड़ी आतंकी वारदात की साजिश को नाकाम कर दिया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, इन हथियार और गोला बारूद से जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची गई थी, लेकिन उससे पहले ही भंडाफोड़ हो गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के दुलानजन में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को ये हथियार मिले। इनमें अत्याधुनिक राइफल, पिस्टल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद शामिल हैं। पता चला है कि पीओके में बैठे आतंकी सरगना झीलम नदी के रूट का इस्तेमाल करते हुए एलओसी के नजदीक भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जुटाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका ये प्लान फेल हो गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये कुपवाड़ा की है जहां सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल, मैगजीन, गोलियों और 7 लाख रुपए कैश के साथ दो आतंकियों को धर दबोचा। दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। ये किसी वारदात को अंजाम देने सोपोर से कुपवाड़ा आ रहे थे। नाकाबंदी की गई। इस नाकाबंदी के चलते एक ईऑन गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और उस गाड़ी में सवार दो आतंकी वसीम अहमद गबरू और मेराजुद्दीन वाणी, ये दोनों रहने वाले सोपोर के हैं, इनको अप्रिहेंड किया गया।